जैसे ही आप एंट्री करेंगे ना, तुरंत फूड ट्रैक मिलेगा आपको। यहाँ पे आप खाने पैक भी करा सकते हैं और खा भी सकते हैं। नॉर्थन पुलाव, एग बिरयानी, वेज बिरयानी, कढ़ाई चिकन, देख सकते हैं इसी टू टायर में पर्दे वगैरह सब आ चुके हैं और कोविड ख़त्म होने के बाद पर्दे लग गए हैं। ये देखिए बेडशीट, बेडरोल पूरा मिल चुका है हमें। हाँ, खुर्जा के बाद ये ट्रेन ना इतना तूफान चलाई है भाई साहब। खुर्जा से अलीगढ़ सिर्फ और सिर्फ 13 मिनट में टच किया है इसने, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। इस व्लॉग में मैं रेडी था पहले से ही कि मुझे ये दिखाना है और मैं दिखाऊंगा, और फाइनली मैंने दिखाया आपको। हाँ जी गाइस, वेलकम है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से। आज की हम जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं आनंद विहार टर्मिनल से, और हम एक नई जर्नी करेंगे यहाँ से, जो कि AC टू टायर में होने जा रही है हमारी। आज की हमारी जर्नी जो होगी ना, वो आनंद विहार टर्मिनल से मऊ जंक्शन तक की होगी। हमारी ट्रेन है ट्रेन नंबर 14006 आनंद विहार टर्मिनल से सीतामढ़ी लिच्छवी एक्सप्रेस, जो कि शाम को 6 बजे आनंद विहार टर्मिनल से डिपार्च करती है और अगले दिन सुबह 8:05 पे मऊ जंक्शन पे पहुंचाती है। क्योंकि ये ट्रेन आनंद विहार से सीतामढ़ी तक चलती है, बट हमारी जो जर्नी होने वाली है ना, वो आनंद विहार टर्मिनल से मऊ जंक्शन तक की होगी। और इसके पहले भी प्रीवियस में मैंने इस ट्रेन में जर्नी की, बट उस टाइम पे मैं AC 3 टायर की जर्नी दिखाया था और उस टाइम पे बेडरोल नहीं मिलते थे, वो कोविड का ड्यूरेशन था। बट आज की हमारी जर्नी ना AC 2 टायर में होने वाली है और दिखाएंगे आपको कि इसका AC 2 टायर कैसा है और इंटरनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है। और कोविड के बाद अब सारी चीज़ें फिर से वापस आ चुकी हैं, बेडरोल मिलने लगे हैं और पर्दे वगैरह लग गए हैं, तो हम दिखाएंगे आपको। चलिए आइए अंदर मिलते हैं ट्रेन के पास। ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाने वाली सीढ़ी है और ये है फूड ट्रैक। जैसे ही आप एंट्री करेंगे ना, तुरंत फूड ट्रैक मिलेगा आपको। यहाँ पे आप खाने पैक भी करा सकते हैं और खा भी सकते हैं। नॉर्थन पुलाव, एग बिरयानी, वेज बिरयानी, कढ़ाई चिकन, चिकन बिरयानी, एग करी, सारी चीज़ें मिलेंगी, बटर चिकन भी, बहुत सारे वैरायटीज़ मिलेंगी यहाँ पे। तो खाने की तो दिक्कत नहीं होने वाली आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे। अगर आप खाना पैक भी कराना चाहते हैं ना ट्रेन के लिए, तो आप पैक भी करा सकते हैं। तो चलिए अंदर मिलते हैं आपको प्लेटफॉर्म पर, दिखाते हैं आपको ट्रेन का अराइवल और डिपार्चर। ये देखिए आनंद विहार स्टेशन पर उच्च श्रेणी का एयर कंडीशनिंग वेटिंग रूम है, AC वेटिंग रूम है, आप देख सकते हैं, और हम इसमें रुके हुए हैं अभी। हाँ जी, तो हम पहुँच चुके हैं लिच्छवी एक्सप्रेस के लोकोमोटिव के पास आपको दिखाने के लिए। देख सकते हैं आप लिच्छवी एक्सप्रेस, और ये है इसका लोकोमोटिव, WAP 7 का लोकोमोटिव है, कानपुर शेड का WAP 7। देख सकते हैं आप WAP 7 कानपुर शेड का। हाँ जी गाइस, तो आज की हमारी जर्नी जो है ना आनंद विहार टर्मिनल से मऊ जंक्शन की है, ट्रेन नंबर 14006 जो कि आनंद विहार टर्मिनल से डेली शाम में 6 बजे डिपार्च करती है और अगले दिन रात को 8:20 पे सीतामढ़ी पहुंचती है। तो गाइस, हमारी जर्नी है ना वो जर्नी होने वाली है आनंद विहार टर्मिनल से मऊ जंक्शन तक की, और हम मऊ जंक्शन पहुंचेंगे अगले दिन सुबह 8:05 पे। हमारी जर्नी होने वाली ना 14 घंटे 5 मिनट की होगी, जिसमें हम 840 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे और 14 हॉल्ट पे ट्रैवल करेंगे। हमारा जो टिकट है आज का, वो है AC 2 टायर में, कोच है हमारा A1, सीट नंबर है 23। और बात करूँ इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन की, तो इसमें 4 जनरल क्लास के कोच लगते हैं, 6 स्लीपर क्लास के और 6 AC 3 टायर के, 1 पेंट्री कार कोच और 2 AC 2 टायर के कोच लगते हैं, जबकि 1 कोच AC 1 टायर का भी लगता है इस ट्रेन के अंदर। काफ़ी बढ़िया ट्रेन है ये, और इसकी मैंने प्रीवियस में आपको जर्नी भी दिखाई है, ट्रेन टाइम की काफ़ी पंक्चुअल भी रही है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। बात करूँ अगर फेयर की ना, तो हमारा फेयर पड़ा है 1665 रुपया, जो कि आनंद विहार टर्मिनल से मऊ जंक्शन तक का AC 2 टायर में। तो आज हम AC 2 टायर में जर्नी कर रहे हैं और दिखाते हैं आपको इंटीरियर और पेट्रोल वगैरह सारी चीज़ें, मिलते हैं डिपार्चर पे। एक रेल नीर देखिए, ये है रेल नीर, देखिए देख सकते हैं AC 2 टायर में पर्दे वगैरह सब आ चुके हैं और कोविड ख़त्म होने के बाद पर्दे लग गए हैं। यह अपर बर्थ है और इस पर भी पर्दे हैं। चार्जिंग सॉकेट की बात करूँ, सभी बर्थ पे चार्जिंग सॉकेट है, विंडो से पर्दे हैं, रीडिंग लाइट भी है। AC 2 टायर ही है और काफ़ी अच्छा इसका इंटीरियर है। फाइनली हमारी ट्रेन
बिल्कुल राइट टाइम शाम के 6 बजे आनंद विहार टर्मिनल से डिपार्च कर चुकी है। और ये देखिए भैया की ट्रेन छूट रही थी और ये देखिए बिल्कुल ही टाइम पे पहुँचे और जस्ट ट्रेन बस इनको मिल गई। ऐसे होते हैं लोग भाई, कम से कम टाइम से 15 से 20 मिनट पहले तो पहुँच ही जाना चाहिए स्टेशन। इस ट्रेन का अगला स्टॉप गाज़ियाबाद है, उसके बाद दादरी है और फिर खुर्जा, फिर अलीगढ़। तो चलिए सभी स्टेशन तो कवर नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, देखते हैं जो स्टेशन कवर कर सकते हैं उसको करते हैं। ये देखिए बेडशीट बेडरोल पूरा मिल चुका है हमें और ये बिल्कुल सील पैक है, देख सकते हैं आप। और ये है बेडरोल और ये पिलो और ब्लैंकेट सारी चीज़ें हैं, पर्दे भी हैं। हाँ जी, तो 13 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद हम पहुँच चुके हैं इस ट्रेन के पहले हाल्ट पे गाज़ियाबाद में, जिसका स्टेशन कोड है GZB गाज़ियाबाद, जो कि दिल्ली के बिल्कुल पास में पड़ता है। और यहाँ पे अगर नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म की बात करूँ ना तो नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म है यहाँ पे 5। इस स्टेशन पे 2 मिनट का हॉल्ट है इस ट्रेन का और मिलते हैं आपसे डिपार्चर पे। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हम गाज़ियाबाद से डिपार्च कर चुके हैं, देख सकते हैं आप। आज तो 29 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन के दूसरे हॉल्ट पे, जो कि है दादरी, जिसका स्टेशन कोड है DER। यहाँ पे इस ट्रेन के पहुंचने का टाइम था शाम के 6:50 और हम पहुंचे हैं शाम के 6:58। और नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म की बात करूँ, यहाँ नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म है 3। चलिए 2 मिनट के हॉल्ट के बाद यहाँ से डिपार्चर होगा, मिलते हैं डिपार्चर पर। फाइनली 2 मिनट के हॉल्ट के बाद ना हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्च कर चुकी है और डिपार्चिंग करते ही स्पीड बना ली इसने। देखिए हम दादरी से डिपार्च करते हुए, और मिलते हैं एक ही बार में आपको अलीगढ़ में। अंधेरा हो गया और आपको दिखाने लायक कुछ बचा नहीं है। अलीगढ़ जंक्शन हम पहुंच रहे हैं, हमारा अराइवल हो रहा है अलीगढ़ जंक्शन पे। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं अलीगढ़ जंक्शन। 119 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद अलीगढ़ जंक्शन पहुंच चुके हैं हम, जिसका स्टेशन कोड है ALJN। और यहाँ पे इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम था शाम के 7:55, हम पहुँचे हैं 8:15 पे, मतलब कि 20 मिनट डिले पहुँचे हम यहाँ पे। बात करूँ नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म की ना, तो नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म है यहाँ पे 5। और यहाँ से बरेली के लिए एक रूट कटता है, अलीगढ़ जो शहर मशहूर है ना वो ताले के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे इंडिया की एक बहुत बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, AMU, वो भी यहाँ है। तो अलीगढ़ की शोहरत मोस्टली ताले से ही है, लॉक से, लॉक समझ सकते हैं आप। हाँ, खुर्जा के बाद ये ट्रेन ना इतना तूफान चलाइए भाई साहब, 140 किलोमीटर से प्लस स्पीड थी इसकी, जो मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने स्पीड मीटर में देखा तो 140 किलोमीटर पर आवर से भी प्लस थी इसकी स्पीड। और खुर्जा से अलीगढ़ सिर्फ और सिर्फ 13 मिनट में टच किया इसने, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता, बट आई है। और ये मेरे लिए बिल्कुल ही एक अजूबे वाली बात है, बहुत ही तेज़ लेके आया ये। 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे अलीगढ़ में और हॉल्ट के बाद फिर यहाँ से डिपार्चर करेगी, मिलते हैं डिपार्चर पे आपसे। फाइनली 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्च कर चुकी है अलीगढ़ जंक्शन से। ये देखिए यहाँ का एग्जिट डोर है अलीगढ़ जंक्शन का और यहाँ से हम निकल रहे हैं। अब इसका अगला स्टॉप टूंडला जंक्शन है, जहाँ से आपको एक रूट मिलता है आगरा के लिए और उसके बाद फिर सीधा कानपुर सेंट्रल, जो कि काफ़ी रात में आएगा, देर रात में। तो
अगर जगता रहा तो आपके लिए कवर करूँगा, अदरवाइज सो गया तो फिर जहाँ नींद खुलेगी सुबह वहाँ से कवर करेंगे ब्लॉग को। चलिए बारी है वॉशरूम दिखाने की, तो देखिए टैप में पानी आ रहा है, बेसिन ठीक है साफ़ है और मिरर काफ़ी गंदा है। आइए दिखाते हैं आपको इंडियन स्टाइल वॉशरूम। तो इंडियन स्टाइल वॉशरूम की बात करूँ ना तो ये देखिए शैम्पू में जी हाँ लिक्विड सोप भरा हुआ है और वॉशरूम का मिरर भी एवरेज साफ़ है, गंदा कह सकता हूँ गंदा है, बट यहाँ पे बेसिन साफ़ है और इसमें भी पानी आ रहा है तो एवरेज कह सकता हूँ क्लीनिंग इसकी। अभी देखिए एसी टू टीयर कोच की कंडीशन है, बिल्कुल पर्दे लगे हुए हैं, सारी चीज़ें मेंटेन है और बेडरोल वगैरह भी सब मिल रहा है अभी। तो चलिए चलते हैं सोने के लिए, रात काफ़ी हो गई है और हमने देखी अपने इस सीट को केबिन बना लिया पूरी तरीके से, दिखाते हैं आपको ये सीट बिल्कुल केबिन की तरह हो गई है। रात काफ़ी हो चुकी है, चलते हैं सोने और मिलते हैं सुबह के टाइम पे नींद जहाँ भी खुलती है और वहीं से स्टार्ट करेंगे इस ब्लॉग को। आप बने रहें ब्लॉग पे और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए पूरा केबिन हो चुका है हमारा, ये सीट हमने इसको केबिन जैसा बना दिया, पर्दे लगे हुए पूरे हर सीट पर। अभी तो फाइनली 425 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन के इस रूट के सबसे बड़े स्टेशन पे कानपुर सेंट्रल। पिछली बार जब मैंने इस ट्रेन का ब्लॉग बनाया था ना तो उसमें कानपुर सेंट्रल कवर नहीं कर पाया था क्योंकि रात को 12:30 बजे मतलब 12:15 बजे के आसपास यहाँ पे इस ट्रेन का अराइवल है और सो गया था और मेरी नींद बनारस में खुली थी। बट इस बार मैंने सोच रखा था कि पिछले ब्लॉग में मैंने कानपुर को अनफॉर्चुनेटली स्किप हो गया, तो इस बार मैं कानपुर सेंट्रल दिखाता हूँ आपके लिए जिसका यहाँ पर अराइवल टाइम था और रात का 12:15 पे, बट ये ट्रेन आई है रात के 12:30 पे कानपुर सेंट्रल पे जिसका स्टेशन कोड है CNB। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पे 10 हैं और कानपुर सेंट्रल मैंने बहुत बार आपको दिखाया है फिर भी इस बार दिखाना बनता था इसलिए क्योंकि आधी रात को ये ट्रेन यहाँ पहुँच रही और पिछले ब्लॉग में मैंने मिस कर दिया था तो इस बार दिखाना बनता था और आपके लिए जग रहा था मैं कंटिन्यूसली। इवन मुझे अलीगढ़ के बाद ही सोना था, नींद नहीं आई और मैं जगता रहा और मैंने सोच रखा था कि मुझे कानपुर इस बार कवर करना है आपके लिए इस वीडियो में और मैंने कानपुर कवर किया। तो अगर पसंद आया हो ये मेरा मेहनत और जो भी चीज़ें हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, तो हम ऐसे बहुत सारे ब्लॉग और बहुत सारे वीडियोज़ आपको देंगे। हाँ ये बताना था कि इस स्टेशन पे इस ट्रेन का हॉल्ट जो है ना 10 मिनट का है, फिलहाल ये 15 मिनट डिले आई है तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। चलिए मिलते हैं डिपार्चर पर, अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए वीडियोज़ को। तो फाइनली हमारी ट्रेन कानपुर सेंटर से डिपार्ट कर चुकी है, यहाँ पे हॉल्ट इसका 10 मिनट का बराबर डिले थी और डिले होने की वजह से यहाँ पे 3 से 4 मिनट ही मैक्सिमम रुकी होगी और फिर यहाँ से निकल गई। चलिए मिलते हैं आपसे आगे, अब नींद जहाँ खुलती है चलते हैं सोने के लिए और सुबह जहाँ भी नींद खुलती है ना ब्लॉग वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग, हाँ जी तो गुड मॉर्निंग और अभी हो रहे हैं सुबह के 7:40 और मेरी नींद खुली है अभी जस्ट 10 मिनट पहले। हम बनारस पार कर चुके हैं, बनारस क्रॉस होने के बाद हमारी नींद खुली है जखनिया में और जहाँ पे इसका स्टॉपेज था जखनिया में और यहाँ पे ये ट्रेन बिफोर आई है जखनिया में और अब यहाँ से सीधा इसका अगला स्टॉप है मऊ जंक्शन, जबकि ये ट्रेन ना 7:30 पे ही जखनिया में पहुँच चुकी है। तो ये ट्रेन बिफोर चल रही है और अभी यहाँ से डिपार्च करेगी जखनिया से। चलिए मिलते हैं फिर आगे मऊ जंक्शन पर। इस बार कानपुर सेंट्रल को कवर कर दिया, कानपुर सेंट्रल को कवर करने के चक्कर में ना रात देर हो गई और इस चक्कर में बनारस जंक्शन मतलब कि वाराणसी जंक्शन छूट गया और लास्ट वीडियो में मैंने प्रीवियस वीडियो जो थी ना इस ट्रेन की उसमें मैंने दिखाया था आपको बनारस और पूरा अराइवल उसका दिखाया था राइट टाइम पर सारी चीज़ें, तो वही वैसे ही हुआ है सेम, इस बार भी राइट टाइम पर ही अराइवल हुआ उसका और वैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 इसको मिलता है और माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि मैं इस बार बनारस नहीं दिखा पाया मगर हाँ कानपुर ज़रूर दिखाया और कानपुर दिखाने में मुझे काफ़ी देर रात हो गई और इसकी वजह से बनारस छूट गया। चलिए अभी नींद खुली और हम जखनिया में हैं, आगे दिखाते हैं मऊ जंक्शन पे। चलिए जी हमारी गाड़ी का यहाँ से डिपार्चर हो गया है और यहाँ खड़ी है सामने इस तरफ की लोकल ट्रेन डेमो ICF कोच वाली डेमो। और
हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो चुका है। देखिए इस साइड भी डबल लाइन का काम चल रहा है और मिट्टियाँ फटी जा रही हैं। फाइनली हम पहुंच रहे हैं मऊ जंक्शन। और यहां पे यह गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही जाती है। हाँ जी, तो हम मऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रीच कर रहे हैं। अराइवल हो रहा है हमारा। काफ़ी भीड़ यहाँ उतरती है और ये स्टेशन पे ना लगभग ट्रेन 50-60% खाली हो जाती है। हाँ जी, तो फाइनली 840 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने इस ट्रेन के फाइनल डेस्टिनेशन पे मऊ जंक्शन। और यहाँ पे इस ट्रेन का अराइवल हुआ है बिल्कुल ही राइट टाइम, सुबह के 8:05 पे। और ये ट्रेन बिल्कुल ही टाइम की पंक्चुअल है। इसके पहले भी इस ट्रेन की जर्नी किया था मैंने, दिखाया था आपको कि इस ट्रेन का जो अराइवल हुआ था ना बिल्कुल ही राइट टाइम अराइवल हुआ था और अभी भी इसका बिल्कुल राइट टाइम अराइवल हुआ है। और सफाई की बात करूं कोच की तो बहुत ही बढ़िया थी, वॉशरूम की सफाई बहुत ही अच्छी थी, सारी चीज़ें एवन थी। तो चलिए मऊ जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MAU और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है 4। और चलिए मिलते हैं आपसे फिर अगली जर्नी में। अगर जर्नी आपको पसंद आई हो, ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा।